नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रहा। चंद घंटों के बाद गणपति बप्पा घर घर विराजेंगे। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का धूमधाम से जश्न मनाने के लिए हर कोई उत्साहित है। यह उत्साह पूरा देश में मचा हुआ है। भवन मंडी में भी अपने अद्भुत उत्साह के साथ गणपति बप्पा को घर घर मंदिरों में विराजने के लिए तैयार है, जिसके दृश्य हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। जहां देखो वहां हर दुकान पर अलग अलग रंगों में सजाई गई नन्हे मुन्ने बाल गणेश से लेकर तेजस्वी रूपधारी गणेश जी की प्रतिमाएं लुभावने ने श्रृंगार के साथ घर में विराजित करने के लिए तैयार दिख रही है। और कल गणेश चतुर्थी पे इस कहीं गुना ज़्यादा उत्साह भक्तों में नजर आने लगा है। जहाँ पर दिन में गणपति के जयकारों से बप्पा भक्तों के घर जाएंगे और शाम को जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा की आरती के स्वर गुनगुनाएंगे। श्री लालचा आदर्श विद्या मंदिर बाटिव विद्यालय भवानी मंडी में शिशु वाटिका में शुक्रवार को बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि शिशु वाटिका प्रभारी द्वारा श्री गणेश की झांकी बनाई गई। भैया बहनों को आचार्य दीदी द्वारा श्री गणेश के जीवन के बारे में बताया गया और भजन के माध्यम से माहौल भक्तिमय किया गया। अंत में आरती के बाद प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया और प्रभारी द्वारा पधारे हुए अभिभावकों का आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार व स्टाफ मौजूद रहा। भवानीमंडी में श्री राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में चल रही संगीतमय श्री भागवत कथा में उज्जैन के राष्ट्रीय कथावाचक पंडित गौरव कृष्ण तिवारी जी ने आज कथा के द्वितीय दिवस में भागवत कथा के माध्यम से कथा में परम सत्य की वंदना धर्म के बारे में बताया। और धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। भगवान श्री राम कृष्ण की सत्य व धर्म है। उन्होंने बताया कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। श्री रामचरितमानस की चौपाई द्वारा बताया कि धर्म ना दूसरा सत्य सामना आगम निगम पुराण बखाना। महाराज जी ने कहा कि राष्ट्र के हित के लिए धर्म से जुड़े रहना बहुत ही अनिवार्य है और धर्म रक्षित रक्षित धर्म ही हम रक्षा करेंगे तो समय आने पर धर्म हमारी रक्षा करेगा। आगे महाराज जी ने भागवत कथा में माता कुंती स्तुति परीक्षित जन्म व सुखदेव भगवान के आगमन की कथा श्रवण करवाई। नर समाज विकास समिति भवन मंडी ने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण क्रिमी लेयर को अति शीघ्र लागू करने का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को भवन मंडी को सौंपा। सभी नर समाज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का एससी एसटी आरक्षण उपवर्गीकरण का संविधान संबंधी इस ऐतिहासिक फैसले का अभिनंदन व आभार प्रकट करता है। सभी नर समाज के लोग उपस्थित रहे, जिसमें रवि कुमार जिला अध्यक्ष, किशन गोपाल समिति सदस्य राजेश मोहन, मानसिंह पूरम चंद, रवि बाबू, प्रीतम संजय आदि नर समाज के लोग मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के चंदीपुर बिजली विभाग में घरेलू कनेक्शन निजी नल खेत बावड़ियों को लेकर किसानों को बिजली कनेक्शन कराने के लिए लोहे से चने चबाने पड़ रहे हैं। महीनों पहले कनेक्शन व सामान की धनराशि जमा करने के बावजूद भी उन्हें कनेक्शन के लिए सामान नहीं मिल पा रहा है। कई किसान बिजली खेती बावड़ियों घरेलू कनेक्शनों निजी नलकूप धारक किसानों को बिजली कनेक्शन कराने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। महीनों पहले कनेक्शन व सामान की धनराशि जमा करने के बावजूद उन्हें कनेक्शन के लिए सामान नहीं मिल पा रहा है और कई किसान बिजली विभाग के तौर के चक्कर काट कर थक चुके हैं। झालावाड़ कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी झालरापाटन में गुरुवार को पोषण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत झालरापाटन झुमके मंडावर असनावर कनवाड़ा क्षेत्र के 185 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया गया है। पिड़ाव शहर में स्थित झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा पिड़ाव में धरोनिया सहकारी समिति के ऋण सदस्य गिरिराज पाटीदार का दुर्घटना बीमा किया गया था, जिसकी दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद शुक्रवार को उसकी पत्नी विशाखा बाई को 10 लाख रुपये क्लेम राशि का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा पिड़ावा शाखा प्रबंधक अंकित जैन, धरोनिया सहकारी अध्यक्ष बिरराज पाटीदार, व्यवस्थापक ओम प्रकाश पाटीदार, LS राधेश्याम राठौर, सहकारी कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, व्यवस्थापक संजय गोस्वामी, शिव सिंह आदि मौजूद रहे। झालावाड़ के समीप छोटी रायपुर में लोक देवता बाबा रामदेव की शोभा यात्रा में झंडा पकड़े युवक के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। छोटी रायपुर निवासी गिरिराज पुत्र हेमराज के करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हुई। झालावाड़ कोतवाली पुलिस के सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के छोटी रायपुर निवासी 20 वर्षीय युवक गिरिराज पुत्र हेमराज छोटी रायपुर गाँव में ही लोक देवता बाबा रामदेव का जुलूस शोभा यात्रा निकालने के दौरान वह झंडा लेकर चल रहा था। झंडे की लकड़ी गीली होने की वजह से ऊपर निकल रही विद्युत लाइन से टकरा गई और हाथ में झंडे की लकड़ी पकड़े युवक गिरिराज करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस कर घायल हो गया, जिसको तत्काल झालावाड़ अस्पताल में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने चेक करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। झंडा पकड़ा था, उस झंडे में गीली लकड़ी लगाई थी। गीली लकड़ी से जो झंडा लेकर बालक चल रहा था गिरिराज, वो उसका इलेक्ट्रिक लाइन से टच हो गया। टच में उसमें लाइट में करंट आ गया और करंट से उस लड़के को करंट लगने से
बेहोश हो गया, उसको यहाँ लेकर आए तो डॉक्टर साहब ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्या करा पुलिस ने? जांच की उम्र 20 साल है, मेघवाल जाति का है और उसका हमने परिजनों की रिपोर्ट पर मृत दर्ज कर लिया, पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर। उन्हेल कस्बे में गुरुवार को भादवाई के बीच पर लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती पर मेघवाल समाज मेहर समाज द्वारा दो अलग अलग स्थानों से शोभा यात्रा निकाली गई। मेघवाल समाज द्वारा शोभा यात्रा कुमटिया रोड रामदेव बाबा मंदिर से शुरू हुई। मेहर समाज की शोभा यात्रा तालाब किनारे बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हुई, जो गाँव के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस अपने मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया और शोभा यात्रा के समापन में मंदिर में भव्य आरती उतारी गई। आरती के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। भगवान श्री गणेश के आगमन की प्रतीक्षा हर तो को है। सभी पप्पा के आगमन की प्रतीक्षा में अपने अपने घर सजाने लगे हैं और श्रद्धा भक्ति पूजन अर्चन का यह पर्व भी बड़े प्रदूषण के कारण उससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयरन लेडीज ऑफ झालावाड़ ग्रुप की तरफ से झालावाड़ में पहली बार 5 सितंबर से 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इको फ्रेंडली श्री गणेश बनाओ प्रतियोगिता कार्यशाला डिप्टी के मंदिर पर आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में बच्चों ने उपस्थित होकर मिट्टी और किले के श्री गणेश का निर्माण किया है। मंदसौर यातायात सप्ताह के अंतर्गत जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर में यातायात आरटीओ विभाग द्वारा चेकिंग चालानी कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों चेकिंग के दौरान कुछ ऑटो ओवर लोडिंग से कुछ तो अन्य कमियां मिली थी, इस पर विभाग ने चालानी कार्रवाई की थी। अब कार्रवाई से ऑटो रिक्शा संचालक नाराज हो गए और दसपुर ऑटो रिक्शा यूनियन दसपुर नगर सेवा यूनियन के अध्यक्ष हिम्मत सिंह डांगिया कहना है कि आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा संचालकों को परेशान किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के आने के बाद से ही इन पर संकट गहरा रहा है। विभाग द्वारा हर स्कूली ऑटो 8 से 10 बच्चों के बजाय सिर्फ 5 बच्चों को ही बिठाने को कहा जा रहा है, यह तो पालकों की जेब से बोझ है। शुक्रवार को शहर के 2000 अधिक ऑटो रिक्शा संचालक हड़ताल पर रहे। इस दौरान सुबह से ही हड़ताल में शामिल नहीं होकर सड़क पर चलने वाले नगर सेवा ऑटो से यूनियन के लोगों को सवारियों को बाहर उतारा, तो वहीं गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया गया। मंदसौर में जिला मुख्यालय पर स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत खेल गतिविधियां संचालित की जा रही है। आज जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शहर के नगर पालिका द्वारा संचालित तरण ताल के स्विमिंग पूल पर, आज तहसील व जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रमांक 2 विद्यालय के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें मंदसौर जिले के 7 विद्यालय ने भाग लिया और सभी वर्ग में 14 वर्ष बालक बालिकाएँ, 17 वर्ष बालक बालिका और 19 वर्ष बालक बालिकाओं में प्रतियोगिता आयोजित की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार, हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित
मावे की मिठाइयां मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।